नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की। मैनपुरी में आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम है, तो वहीं जिले से आए हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने का फैसला लिया। तो वहीं मैनपुरी के तपोस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोगाव रोड मैनपुरी में भी परीक्षा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन मांगे थे, जिसमें आज उस भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम का दूसरा दिन 18 तारीख को रखा गया है, जिसमें अभ्यर्थियों के पूछने पर बताया कि वह परीक्षा की काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को इस पर पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा को सफलतापूर्वक सफल करेंगे। तो वहीं केंद्र व्यवस्थापक विमलेश कुमार ने बताया कि आज हमारे 384 अभ्यर्थी इस परीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर अभ्यर्थियों में बहुत खुशी जाहिर हो रही है और केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। कड़ी निगरानी में परीक्षा का कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। मैनपुरी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सर, नाम क्या आपका? विमलेश कुमार, केंद्र व्यवस्थापक तपस्वी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर, आज पुलिस भर्ती वाला एग्जाम जो चल रहा है, आज कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया है? आज यहाँ पे 384 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं आज। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।